दोस्तों ये है अर्बन गबरू की तरफ से एयर रिमूवल क्रीम आती है जो, और इसका अपन अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है अपन को। तो ये मैंने अर्बन गबरू की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था, तो पैकिंग बहुत ही नॉर्मल सी इन्होंने कर रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको खोल देते हैं और चेक करते हैं कि ये अंदर कैसे कुछ डाल रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने खोल दिया है इसको और अंदर बहुत ही नॉर्मल सी पैकिंग है। इसके अंदर एक बबल रैप डाला हुआ है और साइड में ये डाल रखी है। तो इस तरह की पैकिंग करने से क्या फ़ायदा, अगर कोई डिलीवरी बॉय ने इसको फेंक दिया है तो इसमें एक छेद हो गया तो लंका लग जाएगी उधर ही। और इसमें ये जो स्प्रे है अपन अपने हाथ पर मार के देखेंगे कि उधर से बाल रिमूव होते हैं या नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर अपना हाथ पर स्प्रे डाल लेता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा निकल गया था एकदम से। तो इसको स्प्रे को बहुत नॉर्मल तरीके से आपको दबा कर रखना है और अपने जहाँ पर भी आपको बाल रिमूव करने हैं वहाँ पर लगा कर रखना है थोड़ी देर। अगर आपको जलता है तो इसको हटा लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल डाल रखे होते हैं जिससे बाल को ये निकालता नहीं है, चमड़ी से निकालता नहीं है, वहाँ से जला देता है बाल को। पूरी तरीके से गल जाएंगे बाल और वहाँ से हट जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं हटेंगे, ज़मीन पर लगे हुए रहेंगे। अगर आपने एक या दो बार इस स्प्रे को एक साथ में मतलब यूज़ कर लिया, अभी जैसे मैंने यूज़ किया है और इसके दो या पाँच मिनट बाद में मैंने वापस से इसको यूज किया, तो उधर बहुत गंदी तरीके से जलन होगी। इसलिए आप सोच समझ कर ही इस चीज़ को ख़रीदें। अगर आपने कहीं उल्टी सीधी जगह लगा दिया तो आपकी भी लंका लग सकती है। एक हाथ मतलब मैं यहाँ पर बाल रिमूव किया आपको करके दिखाया, जिधर अगर एक या दो बार जिससे ज़्यादा लगाए तो लंका लग सकती है। भाई अपना ख्याल रख।